नमस्ते दोस्तों, वंसाभाई देसी किचन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं बारबेक्यूब्स पटेटो। सबसे पहले हमें लेने हैं बॉईल आलू। अब आलूओं को हमें कैसे कट करना है, किसी भी शेप में आप कट कर सकते हैं। ये आलू लिया है हमने और इसे हम तीन पार्ट में कट कर रहे हैं। ये देखिए, इस हिसाब से ऐसे हमें सब आलूओं को कट करते जाना है, जितना आपको ज़रूरत है कि आप कितना स्नैक्स आपको बनाना है बारबेक्यू पे। आजकल ऐसा होता है, ठंड का मौसम आया है और सबको एकदम कोयले पर का खाना खाने का मन करता है। पर एक होता है, किसी के पास जगह है नहीं है, छोटा घर है, या आप ऐसे जगह पे हो जहाँ पे आप कोयले का यूज़ नहीं कर सकते हो। तो मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से और उसी स्वाद का बना के बताऊंगी कि किस हिसाब से आप बहुत ही इजीली कोयले वाला ही टेस्ट आप अपने घर पे भी और कहीं पे भी मज़ा लेके बना सकते हो और बढ़िया तरीके से खा भी सकते हो। ये लिए हमने आलू इतने, इसके अंदर हम डालेंगे नमक, साथ ही हम डालेंगे काली मिर्च पाउडर। और इसे अच्छे से मिला लेंगे। इसमें कोई चीज़ हमने नहीं डाली है, नमक और काली मिर्च पाउडर डाला है और वो भी फ्रेश घर का पिसा हुआ। इस हिसाब से हमने सब चीज़ों को मिक्स कर दिया है। अब 5 से 10 मिनट तक हम इसे छोड़ देंगे कि अंदर तक एकदम बढ़िया मैरिनेट हो जाए। जब तक हमारा आलू मैरिनेट होता है नमक और काली मिर्च पाउडर में, तब तक हम उसी का ही दूसरा मैरिनेट मसाला बनाते हैं। उसके लिए हमें लेना है 1 चम्मच दही, 1 चम्मच फ्रेश क्रीम, थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ी सी हम डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा डालेंगे नमक, थोड़ी सी तीखी चटपटी लाल मिर्च, साथ ही डालेंगे हम 1/2 चम्मच तंदूरी मसाला और थोड़ा सा हम डालेंगे फूड कलर। अब इन सब चीज़ों को हमें बहुत बढ़िया तरीके से मिला लेना है। इसका स्वाद एकदम बढ़िया, जो लोग एकदम नॉनवेज नहीं खाते हैं, इसका स्वाद पूरा एकदम जैसे आप तंदूरी चिकन खाते हो कोयले वाला, वही स्वाद आपको आने वाला है। ये देखिए, ये मसाला हमारा एकदम बढ़िया बन के रेडी हो गया है। ये वाला मैरिनेट हमारा एकदम रेडी है, इसका यूज हम बाद में करेंगे, सबसे पहले अभी आलू वाली बात करते हैं। हमें एक लेना है ऐसा झारा, झाड़ू के हम लगाएंगे तेल कि इसमें आलू हमारे बिल्कुल भी चिपके ना। और इसी के साथ अभी एक एक आलू हमें ऐसे एकदम बढ़िया जोड़ के रखना है, जैसे कोयले पे हम बनाते हैं ना, उसी हिसाब से ग्रिल वाला टेस्ट आने वाला है इस पे। ये देखिए, ये देखिए, मैंने पूरे आलू ही इसके अंदर एकदम ही कर दिए हैं, लगा दिए हैं कि हम आगे पीछे अगर करेंगे तो सभी को अच्छे से भाप लगने वाली है। ये बटर हमने पिघला लिया है, अब आलू के ऊपर हम थोड़ा थोड़ा सा बटर लगा लेंगे। जो ग्रिल वाला टेस्ट आने वाला है ना आलू में, ओहो मज़ा ही आने वाला है, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। ये गैस हमने रख लिया है और उसके ऊपर ये जाली सी रख ली है कि थोड़ा सा भी अगर इसका वेट आगे पीछे हो गया तो हमें इसका सपोर्ट मिले। अब गैस का फ्लेम हम फुल करेंगे। ये देखिए, एकदम ग्रिल वाला जो आपका टेस्ट आने वाला है ना आलू में, बहुत ही बढ़िया।
ये पूरी तरह से हमें घुमाते जाना है। बीच में जो ये धुआं रुक रहा है उसका जो टेस्ट आने वाला है कोयला, और एकदम ग्रिल वाला मज़ा आने वाला है आपको। बारबी की जैसे ही आपको आलू लगने वाले हैं। 2 मिनट हम अच्छे से फूल पे इसे भूनने देंगे और साथ ही ऊपर से हल्का हल्का सा और बटर लगाएंगे। पूरा अच्छे से इसे कलर आने देना है और पूरा सिक जाने देना है। नीचे से आलू एकदम बढ़िया तरीके से पक गए हैं। अब गैस का फ्लेम हम कम करेंगे और आलूओं को हम पलटी करेंगे। ये देखिए, ओहो कितना बढ़िया कलर आया है, जैसे हमने ग्रिल पे बनाए हो, एकदम बहुत ही बढ़िया। अभी सब आलूओं को हम एक एक करके पलटी करते जाएंगे। ये पूरे आलू को हमने पलटी कर दिया है। अब दूसरे साइड से भी हम बटर लगा लेंगे। इधर से भी फूल पे 2 मिनट तक अच्छे से पकने देंगे। दोनों साइड से आलू एकदम बढ़िया हो गए हैं, ये देख रहे हो। अब इसे हम निकाल देंगे। एक बाउल में हमें आलू निकाल लेना है और जो दही और क्रीम का हमने जो मसाला बनाया था अब इसे लगा देंगे। ऐसे अच्छे से इसमें मिला लेंगे। ये जो तंदूरी वाला टेस्ट आने वाला है, ओहो खा के तो ऐसा मज़ा आने वाला है भैया, आप ट्राई करिए। ठंडियों का सीज़न चल रहा है और बहुत ही बढ़िया, कोई भी चीज़ आप बना के खा लो ठंडियों में तो मज़ा ही आ जाता है। ये पूरी तरह से हमने लगा लिया है। अब वापस इसे एक बार ही सॉटी कर लेंगे। एक पैन हमें रखना है, इसमें हम डालेंगे बटर, साथ ही हम डालेंगे मैरिनेट किए हुए आलू। गैस का फ्लेम हमें बिल्कुल भी कम नहीं करना है और इसे चला देता है। दो मिनट में आपके आलू एकदम बनके रेडी हो जाएंगे। अब गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे और आलू को निकाल लेंगे। आलू हमारे बहुत ही बढ़िया बनके रेडी हो गए हैं। लास्ट का पार्ट है, इसके ऊपर अभी हम छिड़केंगे ओए होए चाट मसाला। चाट मसाले के बिना तो मज़ा ही नहीं है। और इसके बाद हम डालेंगे नींबू, ओहो और जो इसका स्वाद आने वाला है, ओह होए 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 क्या मज़ा आया है और क्या ही मुंह में बता नहीं सकती मैं आपको कि कितने टेस्टी बने हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।